हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम लटकन बनाना सीखेंगे सिंपल और इजी तरीके से। तो ये देखिए, अस्तर वाला पार्ट पहले उठा लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करना है, फिर इसको तिकोना शेप दे देना है और इसको पलट कर जहाँ से सीधी सिलाई, सीधी जो लाइन दिख रही है वहाँ से इसको इस तरह से अपने अंदाजे से आपने राउंड शेप कट कर देना है। अगर आप अंदाजे से नहीं तो इंचीटिव से नाप के कट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको पलट के देखेंगे। तो हमने दो पीसेस ही तैयार कर रहे हैं, तो अब इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे जैसे इसको कट किया था। तो मेन फैब्रिक ले लेते हैं और मेन फैब्रिक में देख लेंगे किस हिसाब से कपड़ा जो सेट हो रहा है। अगर यहाँ से इस तरह से सेट करके देख लेंगे, देखिए छोटा पड़ रहा है तो आप दूसरा कपड़ा ले लें और उसको सेट करके बना लें। तो यहाँ पर मैं दूसरा कपड़ा ले रही हूँ और इसको भी इस तरह से एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है और एक बार ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर इसको तिकोना शेप दे देना है। और ये जो हमने अस्तर वाला पार्ट कट किया था इसको भी हम इस तरह से माप के देखेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे और फिर से तिकोना शेप देकर और इसको भी हमने जो अस्तर वाला पार्ट कट किया इसको इस तरह से माप कर कट कर लेंगे। अब इसको खोल देंगे और यहाँ से देखिए इसको अलग कर देंगे, ये अलग है और ये वाला जो पार्ट है अलग नहीं है, तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। अब एक एक पार्ट से दोनों पार्ट में रख देंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को और राउंड शेप में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों ही पार्ट में। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और राउंड सिलाई होगी यहाँ पर दोनों ही पार्ट में। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको कट करके निकाल देंगे, उसके बाद इसको हम पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर हम डोरी ले लेंगे, डोरी आप चाहे कपड़े का बना लें या फिर जो रेडीमेड होती है वो ले लें। तो यहाँ पर एक जो है गोल्डन कलर में डोरी ले लेते हैं और इसको यहाँ मिड पॉइंट में रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाना है। उसके बाद हम इसको यहाँ से देखिए, इसको पहले ओपन करके ये देखिए दिखा देती हूँ, उसको आप ऐसे भी रख सकते हैं सिंपल। उसके बाद एक यहाँ से सिलाई लगाया है तो अब इसके पूरी सेंटर में इस तरह से मिलाते हुए दूसरे ही साइड में हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से चार कोनों में इस तरह से हम सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर वाली सेंटर सेम रहेगी, नीचे से हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। फिर ये वाला कट करने के बाद हम फिर से इसको सेंटर पॉइंट मिलाकर या ये वाली जो सेंटर पॉइंट है चार जो होगी हमारी इस तरह से सिलाई लग जाएगी चार कोनों पर। देखिए इसको कट कर देते हैं, फिर से हम इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा देंगे। अब ये चार कोनों में लग गई है तो अब हम क्या करेंगे, इस चारों कोनों के बीच में एक एक और सिलाई लगाएंगे। टोटल हमारी 8 स्टिच होगी यहाँ पर, आप ऐसे भी बना सकते हैं चार वाली, चार कोनों वाली, और चाहे तो इन चारों के बीच में एक एक और सिलाई लगा दें। तो यहाँ पर एक एक और सिलाई लगा लेंगे हम फिर से फोल्ड करके। देखिए इस तरह से चारों सिलाई के बीच बीच एक एक सिलाई सब में हम लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागा को कट करने के बाद जो हमारी है ना लटकन पूरी रेडी है, दूसरी लटकन भी हम सेम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। इसको भी मिड में रखेंगे और इसको भी इस तरह से शेप बना के सील देंगे जैसे हमने पहली वाली स्टिच की है वैसे इसको भी सील देना है।
इस तरह से हमारी जो लटकन है पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं चार में मैंने आठ जो स्टिच लगाई है, आप चाहे तो चार वाली बना सकते थे। तो इस तरह से इसे फ्लावर जैसे लटकन बनकर रेडी है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।